मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था, ध्यान सबको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है ना। हमने क्या सोचा था, मींस ये फैराडे ने सोचा था, हमने ये सोचा था, फैराडे ने क्या सोचा था कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में, किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? तो करंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है। इसको हम पढ़ेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट, किसमें पढ़ेंगे? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझने के लिए पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स समझना था। क्या समझना था? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? जैसे बारिश हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड हो पास हो रही है, समझ में आया? मैंने रेन के एग्जाम्पल से बताया था ना आपको, रेन हो रही है तो जितनी ज्यादा रेन होगी उतना बकेट में वाटर जाएगा, समझ में आया क्या? जितना ज्यादा रेन हो रही है उसमें उतना बकेट में वाटर जाएगा। तो जो बकेट में वाटर पास हो रहा था बकेट के थ्रू, उसको समझ लो आप रेन फ्लक्स। क्या समझ लो? वैसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने कोई कॉइल रखी तो उस कॉइल में उतना कितनी लाइन ऑफ फोर्स जाएगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी उसमें क्या रहेंगे लाइन ऑफ फोर्स, मतलब उसमें उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, समझ में आया? और जितना एरिया होगा कॉइल का उतना, जितनी बड़ी छोटी कॉइल में कम लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी, बड़ी कॉइल में ज्यादा जाएंगे, ज्यादा वाटर किस में ज्यादा जाएगा, छोटी बकेट में या बड़ी बकेट? बड़ी बकेट, मतलब एरिया पे डिपेंड करता है, समझ में आया क्या? और बकेट को उल्टा कर दो तो जाएगा या सीधा रखवा तो जाएगा, मतलब ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर से इधर जाएगी, कोई ऐसे रखूंगा तो इसमें से जाएगा फ्लक्स, अगर ऐसे रख दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और ऐसे कॉइल रख दी तो उसमें से कोई फ्लक्स जाएगा क्या? समझ में आया क्या? तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? NBA cos थीटा। क्या फॉर्मूला आएगा? NBA cos थीटा। क्या नंबर ऑफ कॉइल्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बकेट होंगे उतना ज्यादा वाटर जाएगा, ऐसे जितने ज्यादा कॉइल्स होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, समझ में आया क्या? इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर। इसकी यूनिट क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड की हमने एक और यूनिट निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था पाई अपॉन ए वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या आया था? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो टेस्ला ही होता है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो एक ही बात है, समझ में आया क्या? यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास, समझ में आया? मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी कॉइल में से कितनी लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही, किसी भी एरिया में से कितनी लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा इस कॉइल के, समझ में आया क्या? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए हम फैराडे का एक्सपेरिमेंट समझेंगे। क्या समझेंगे? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट टॉपिक लिखो फैराडेज एक्सपेरिमेंट। Faraday's experiment. Grand Chapter, Faraday's experiment. Okay. फैराडे ने क्या किया, एक कॉइल, एक कॉइल इसमें मान लो n नंबर ऑफ टच, कितने टच है n, और इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया? क्योंकि तभी तो पता लगेगा इसमें करंट इंड्यूस हुआ कि नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का उल्टा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्या पढ़ा था? यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका उल्टा, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि किसी करंट कैरिंग वायर, वायर में करंट फ्लो करो तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी। मैग्नेटिक नीडल क्या हुई थी? तो उससे प्रूव हुआ था कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया क्या? यहाँ पर उसका उल्टा कर दिया, वहां पर करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी, इंड्यूस प्रोड्यूस करवाई थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या करेंगे, करंट इंड्यूस करवा, समझ में आया? तो करंट इसमें आया कि नहीं आया वो गैल्वेनोमीटर बताएगा, वो कौन बताएगा? अभी गैल्वेनोमीटर एकदम नीच में,
मतलब जीरो करेगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब करंट इसमें नहीं है, समझ में आया क्या? सो उन्होंने क्या किया, केस फर्स्ट पास एक मैग्नेट ली, क्या ली, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये मैग्नेट अभी वेस्ट पर, ये मैग्नेट क्या है, इसको अभी वेस्ट पर रखा है इसके पास, तो इसमें से मैग्नेटिक लाइन से फोर्स तो पास हो ही होगी, ऐसे होती है ना, नॉर्थ से साउथ फ्लक्स तो पास हो रहा है इसमें, हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन कॉइल में से फ्लक्स तो पास हो रहा है, फ्लक्स मतलब क्या होता है, पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पास होती है वो फ्लक्स बोलते हैं उसको, समझ में आया, सो फ्लक्स तो पास हो रहा है, बट हमने देखा कि अभी ये रेस्ट पर है, तो हमने देखा इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, केस फर्स्ट में क्या बोलेंगे, नो डिफ्लेक्शन, नो मींस नो करंट, समझ में आएगा, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ये तो बताएगा कि करंट आया कि नहीं आया, दिस इज गैल्वेनोमीटर, इस केस में तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, सोचो होना भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, एक कॉइल के पास में मैग्नेट रख देते, हमेशा रखे रहते, हमें कुछ करने की जरूरत थी क्या, इसको रख दिया बस, मान लो करंट, सोचो करंट इंड्यूस हो जाता मान लो, तो फिर तो मजा आ जाते, क्यों आते, कुछ एफर्ट के बिना हमें एनर्जी मिलती, समझ पाया, वो पॉसिबल है क्या, एनर्जी क्रिएट, एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, करंट मतलब कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कोई सी तो एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, समझ में आया क्या, फ्री में मिल जाएगी क्या एनर्जी, एनर्जी कभी क्रिएट हो जाती है फ्री में, कोई ना कोई एनर्जी से ही बनती है, कोई एनर्जी नहीं, एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं होती, समझ में आया क्या, सो मान लो अगर ऐसा होता तो क्या होता, सबके घर में ये कॉइल होती अपने अपने पास, और सब एक मैग्नेट खरीद के लिए आते, गवर्नमेंट से कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सब फ्री में, सब चार बस मैग्नेट रखते थे कॉइल के पास, समझ में आया क्या, कोई बिल भी नहीं देना पड़ता था, आया समझ में, तो ऐसा हो सकता है क्या, तो क्यों करंट इंड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि आपने इसको चुपचाप रख दिया, ऐसे रखने से फ्री फोकट में एनर्जी मिलेगी क्या, समझ में आया क्या, नहीं मिल सकता, आया समझ में, उसका काउंटर मैंने बोला आपको, काउंटर स्टेटमेंट, अगर मान लो करंट इसमें इंड्यूस हो जाता इसको रखने से, तो इसमें इसको बिना कुछ हमने सिर्फ रखा है, हमने कोई एनर्जी नहीं यूज की, समझ में आया, और हमें एनर्जी मिली, तो ऐसा हो सकता है क्या, बिना एनर्जी लगा एनर्जी का मिलना, ऐसा हो सकता है क्या, समझ में आया, तो याद रखना अगर रेस्ट पर रखोगे तो कोई एनर्जी नहीं होगी, समझ में आया, सो इसको लॉ की टर्म्स में क्या पढ़ बोलेंगे, तो धीरे धीरे मैं आपको लॉ पर लेके जाऊंगा, कौन सा लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन सा लॉ, उस पर आएंगे हम धीरे से, वो समझने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट समझा, तो उस लॉ में थोड़ा बहुत क्या बोला है वो अभी थोड़ा बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा, उस लॉ में अभी हमने इसको रेस्ट पर रखा, तो इसमें फ्लक्स पास हो रहा है, इसमें क्या पास हो रहा है, तो फ्लक्स पास करने से करंट इंड्यूस नहीं हो जाता है, वरना तो हो जाना चाहिए था, समझ में आया क्या, फ्लक्स पास करने से करंट इंड्यूस नहीं होना नहीं होता है, वरना तो क्या, फ्लक्स तो हम यूं भी पास कर सकते हैं, कोई ना उसके पास मैग्नेट रख दो, फ्लक्स पास होगा उसमें से, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, नहीं होगा, उस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है उस कॉइल में से जाएगी, तो फ्लक्स तो पास होगा, तो क्या करंट इंड्यूस हो जाएगा कैसे, नहीं, समझ में आया, सो ऐसे फ्लक्स पास करने से करंट इंड्यूस नहीं होता है, करंट कब इंड्यूस होता है, अगर आप ये जो फ्लक्स पास हो रहा है ना उसको आप कम या ज्यादा करो, उसको आप चेंज करो, समझ में आया क्या, तो एक ही जगह रखने से तो जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही होगा, ध्यान से सुनना, समझ में आया क्या, एक ही जगह रखने से जितना फ्लक्स पास हो रहा है उतना ही होगा, सुबह से लेकर रात तक रखे रखो, अभी जितना फ्लक्स हो रहा है रात को भी उतना ही होगा, सुबह भी उतना ही होगा, समझ में आया क्या, जो फ्लक्स अगर कॉन्स्टेंट पास होता है किसी कॉइल में, अगर फ्लक्स कैसे पास होता है, कॉन्स्टेंट, जैसे इसमें से मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 वेबर पास हो रहा है, कितना पास हो रहा है, तो सुबह भी 5 वेबर ही होगा, फिर अगली रात भी 5 वेबर ही होगा, क्योंकि आपने इनके बीच में जगह तो चेंज की ही, अभी जितनी निकल रही है अगले दिन सुबह भी इतनी निकलेगी, फिर रात को भी इतनी निकलेगी, समझ में आया क्या, तो फ्लक्स अगर कॉन्स्टेंट, तो इस केस में फ्लक्स कॉन्स्टेंट पास हो रहा है, समझ में आया, तो जब भी कॉन्स्टेंट फ्लक्स पास होता है तो कोई करंट कोई इंड्यूस नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस
समझ में आया क्या? कॉन्स्टेंट फ्लक्स। तो कौन से फ्लक्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है? कौन से वाले फ्लक्स से होता है? चेंजिंग फ्लक्स, वेरिंग फ्लक्स, जो वेरी कर रहा है, जो क्या कर रहा है, उसको हम एनर्जी कंजर्वेशन में भी समझ सकते हैं। वे अगर आपको फ्लक्स चेंज करवाना है तो इस मैग्नेट को ऐसे ऐसे हिलाना पड़ेगा, पास में लाओगे तो बढ़ेगा फ्लक्स, दूर ले जाओगे तो कम होगा। तो ज्यादा फ्लक्स है कम फ्लक्स से फर्क नहीं पड़ता, चेंजिंग फ्लक्स से फर्क पड़ता है। समझ में आया क्या? तो उसके लिए आपको अगर फ्लक्स चेंज करना है तो कंटिन्यूसली अगर फ्लक्स इसमें करंट कब तक प्रोड्यूस होगा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जैसे फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा करंट फिर से जीरो हो जाएगा, जैसे इस केस में। समझ में आया? सो फ्लक्स चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको पास में दूर में रिलेटिव मोशन कराना पड़ेगा, या तो कॉइल को हिलाओ या मैग्नेट को हिलाओ या दोनों को हिलाओ। समझ में आया क्या? एम क्या होना चाहिए? फ्लक्स चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? आप फ्लक्स में इसलिए पढ़ाया था पहले, फ्लक्स क्या होता है, लाइन ऑफ फोर्स, इसमें से जो पास होगी वो चेंज होनी चाहिए। समझ में आया क्या? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलूंगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो इसके साथ लिंक है या इसमें से जो पास हो रही है वो चेंज होनी चाहिए। वो चेंज होने के लिए आपको इसको मूव कराना पड़ेगा, मूव कराने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी के बदले फिर आपको एनर्जी मिलेगी। समझ में आया क्या? हाँ, ऐसा नहीं। सो रख देने से एनर्जी मिल जाएगी क्या चुपचाप? क्योंकि हम तो एनर्जी का देंगे इसको मूव कराने के लिए, तो एनर्जी के बदले एनर्जी मिलेगी। तो वो बात आपको समझ में आएगी कि हाँ सर इसको मूव कराओगे तो आप एनर्जी लगा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलो। समझ में आया? वो तो मूव कराने से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा इसके अंदर। मान लो अभी दूर है तो 5 पेपर जा रहा, मान लो पास आया तो 10 पेपर आया, फिर दूर आया तो 5 पेपर, फिर 10 पेपर, 5 पेपर, 10 पेपर, तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इसमें क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। समझ में आया क्या? फिर मान लो आप थक गए, आपने रोक दिया आपने इसको, तो फिर से करंट जीरो हो गया। क्योंकि आपने एनर्जी देना बंद की तो एनर्जी मिलना भी बंद हो जाएगी, एनर्जी तब तक मिलेगी जब तक आप एनर्जी दो। आया समझ में? यस सर। तो इसमें इसलिए कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ क्योंकि रेस्ट पर। आया समझ में? अब केस टू है, अब ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल में इधर ले, इसके पास में ला, है ना, तो उससे क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो बढ़ने या कम होने से फर्क नहीं पड़ता है, चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लक्स चेंज होगा पास में लाऊंगा। समझ में आएगा? इसको मैं यहाँ से इसे पास में ला, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें करंट आ जाएगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। कब आता है इलेक्ट्रो करंट इंड्यूस, कब होता है करंट? Whenever there is a change in flux with the pole, समझ में आया? ये एक लाइन लो, सिंपल लाइन, बोलो याद होगी क्या? Whenever there is a change in the magnetic flux passing through the coil or conductor, ये एक लाइन है। समझ में आया? ये फर्स्ट लो की लाइन। समझ में आया? ऐसे समझोगे तो याद होगा। है सोच में? तो फिर induce होगा current, उसको हम लिखेंगे पूरा लो। है सोच में? So अब देखो इसमें आपको पता है कॉइल में करंट इंड्यूस होता है तो उसमें पोल्स बन जाते हैं, याद है कि नहीं? याद है, क्लॉक रूल हमने पढ़ा, याद है? अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है कौन सा क्लॉकवाइज तो साउथ पोल बनता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ पोल बनता है, याद है? तो इसमें भी पोल्स बन जाएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि, तो करंट इंड्यूस होगा, है ना, एनर्जी के बदले एनर्जी मिलेगी। समझ में आया? अब आपने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कि किसी सोलेनाइड में अगर करंट फ्लो होता है तो वो खुद भी एक मैग्नेट बन जाता है, वो खुद भी क्या बन जाती है, तो इसमें करंट ही तो फ्लो हो रहा है। पहले हम बैटरी लगा के करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, सोलेनोइड में क्या लगाते थे यहाँ पे, अब बैटरी नहीं लगा रहे, अब मैग्नेट के थ्रू कर रहे। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो मैग्नेट को पास में ले जाएंगे तो इसमें क्या फ्लो होगा, करंट। और आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था, ये क्या है, सोलेनोइड है, सोलेनोइड में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसकी भी बनती है, एक मैग्नेट ये है, एक मैग्नेट ये भी बन जाएगा। समझ में आया क्या?
और दो मैग्नेट आपस में क्या करती है, या तो रिपेल करती है या अट्रैक्ट करती है, ध्यान से सुनो, आपस में क्या करती है। तो इसमें अब अगला क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से इधर नॉट इधर एक पोल बनेगा, इधर एक पोल बनेगा, याद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सोलेनोइड करंट कैरिंग, सोलेनोइड में हमने पढ़ा था, है ना, समझ में आया। सो अब मुझे बताओ इधर नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा या इधर साउथ बनेगा, अगर इधर नॉर्थ बना तो उधर साउथ बनेगा, और इधर साउथ बना तो उधर नॉर्थ। तो अब हमें ये सोच के बताना है कि करंट फ्लो हो रहा है, ना? तो हमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में फ्लो, समझ में आ रहा है? उसके हिसाब से हम नॉर्थ साउथ बताएंगे, है ना? या फिर अगर हमें पता लग गया इधर नॉर्थ बन रहा है उधर साउथ बन रहा है, तो उसके हिसाब से हम करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं, समझ में आया क्या? Yes, sir. So, मुझे बताओ अगर मैं नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को पास ले जाऊंगा, उसी की वजह से तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, किस वजह से करंट फ्लो हो रहा है, इस मैग्नेट को पास में ले जाने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर मैं इसको रख देता तो कोई करंट इंड्यूस होता क्या? तो ये मैग्नेट बनती क्या, तो इसमें पोल बनते क्या, समझ में आया? इसमें पोल क्यों बन रहे, क्योंकि मैं इस मैग्नेट को पास कर देता, उस वजह से इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, उस वजह से इसमें पोल बन रहा है, समझ में आया? पोल बनने की कहानी हमने पहले पढ़ चुकी है, आया समझ में? हाँ, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इधर नॉर्थ पोल बनेगा या साउथ पोल बनेगा, थोड़ा सा सोच के बताओ 30 सेकंड। नॉर्थ से क्यों अगर ये अट्रैक्ट करने लग जाए इस मैग्नेट को, तो हमें एफर्ट लगाने की जरूरत है क्या? फिर तो मैग्नेट खुद ही चली जाएगी पास में अपने आप, और अपने आप एनर्जी आ जाएगी, समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? अब बताओ इधर नॉर्थ बनेगा या साउथ बनेगा, क्यों? क्योंकि अगर इधर साउथ बन जाता तो ये अट्रैक्ट कर लेती, तो हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी, वो खुद से फोर्स लगाएगी, समझ में आया? तो विदाउट एफर्ट इसमें करंट इंड्यूस हो जाता, वो तो मैं हो नहीं सकता, आया समझ में? तो कौन सा पोल बनेगा इधर? अगर आप नॉर्थ को पास में ले जाओगे तो रिपेल करने के लिए हमेशा जो आप करोगे उसका उल्टा ही करेगी, तभी तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हो ना, तो पास में आने से रोकेगी, समझ में आया? तभी तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो पास में आने के लिए रोकेगी, तो इस कॉइल में इस तरह से करंट फ्लो होगा कि इधर तो नॉर्थ पोल बने और उधर क्या बनेगा, अगर इधर नॉर्थ बना तो उधर क्या बनेगा, तो फिर ये रिपेल करेगी इसको, तो आपको फिर एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, उस एनर्जी के बदले ही तो इसमें पोल बने, इसमें करंट फ्लो हुआ है, समझ में आया क्या? Yes. हाँ, सॉरी मैं, तो नॉर्थ को पास, तो हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि नॉर्थ पोल को पास में ले गए, इधर नॉर्थ बना उधर साउथ बना, समझ में आया? फिर अभी और केस देखेंगे, नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे, अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो इधर क्या बनेगा, साउथ, क्योंकि दूर ले जाने में एफर्ट कब लगेगा, जब वो दूर जाने से रोकेगी, समझ में आया? एफर्ट के बदले एनर्जी मिलेगी ना आपको, तो वो केस 3 में देखेंगे, ये समझ में आएगा? तो अगर इधर नॉर्थ पोल बन रहा है तो डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पोल मतलब करंट कैसा फ्लो होता है, एंटी क्लॉकवाइज। सो लास्ट वाली कॉइल है, सर अगर इसी केस में मैग्नेट दूर लेके जाने तो सिर्फ करंट का फ्लो कम होगा ना, करंट कितना फ्लो होगा अभी भी बताओ, समझ में आया? वो भी बताओ, अभी हम सिर्फ बात करें डायरेक्शन ऑफ करंट, किसकी बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात भी करें, ऐसे में आपने क्या पूछा, कम होगा क्या, वो भी मैंने नहीं सिखाया, कम होगा या समझ में आया, उसकी भी बात करें, ठीक है? अभी मैंने बताया डायरेक्शन केस की बात, सो डायरेक्शन में भी मैंने एक ही केस लिखा है, 4-5 केस और देखेंगे तो तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा, समझ में आया क्या? सो इस वाले केस में नॉर्थ पास में ले जाएंगे तो इधर नॉर्थ क्यों बन रहा है, समझ में आया? हाँ, ये समझ में आया? तो इधर नॉर्थ बनेगा, डिफ्लेक्शन आ रहा है, समझ में आया? सो लास्ट वाली कॉइल में कैसे करंट फ्लो रहा होगा,
एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आया क्या? यस सर। ऐसे आया समझ में? तो हमने क्या देखा है, डिफ्लेक्शन होता है, ऐसे मान लो ऐसा डिफ्लेक्शन, समझ में आया क्या? है ना, ठीक है। और नॉर्थ पास में ले गए तो नॉर्थ पास, सो इस केस में क्या होगा, करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू वेराइन मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ में आया? ये लिखो फिर केस थ्री देखिए। फर्स्ट केस में फ्लक्स कांस्टेंट था, इसमें फ्लक्स क्या था, फ्लक्स तो बोलते हैं फाई, फाई कांस्टेंट था, जब भी फाई कांस्टेंट तो कोई करंट नहीं होगा। सेकंड वाले में फ्लक्स चेंज हो गया, डाउट है? फाई मतलब सिंबल है फ्लक्स, जैसे करंट का आई होता है ना, हाँ जैसे करंट का आई होता है, मैग्नेटिक फील्ड का बी होता है, जैसे इसका हमने क्या रखा फाई, ठीक है, तो सिंबल है उस। आप पूछो। तो जैसे वो अगर मैग्नेट जो है उसको दूर लेके जाएंगे तो फिर उसमें एफर्ट नहीं लगेगा ना इधर, क्योंकि वो पहले ही रिपल हो रहा है, उसका उसमें वो केस थ्री बताओ, एफर्ट सब केस में, वो केस थ्री में आपको बताओ, ठीक है, एफर्ट सब केस, जब तक एफर्ट लगेगा तब तक एनर्जी होगी, समझ में आया? अभी देखो अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, ठीक है, कहानी पूरी होने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो, है ना। दो दो जगह दिमाग लगा के तो काम सुन, तुम भी बंद करो। तो समझे केस फर्स्ट हटा दो, केस फर्स्ट में रेस्ट पड़ती कोई करंट नहीं दिखने को, केस टू में पास में लेके नॉर्थ पोल को, है ना, केस थ्री में नॉर्थ पोल को, अब मैग्नेट को इधर ले जा रहे तो नॉर्थ पोल दूर जाए, नॉर्थ पोल पोल फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो बोलो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, मतलब डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ऐसे सोचना, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स कॉन्स्टेंट होगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा,
फ्लक्स चेंज, दूर ले जाओगे पास ले जाओ फ्लक्स तो चेंज होगा ना, पास था तो फ्लक्स ज्यादा था, दूर ले जाओगे तो फ्लक्स कम हो जाएगा, तो कम हो या ज्यादा हो चेंज होना चाहिए। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा तो ये मैग्नेट बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, इसमें जैसे करंट फ्लो करेंगे तो क्या बन जाएगी, मैग्नेट बन जाएगी। समझ में आया? करंट कैरिंग सोलेनोइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू बार, तो इसमें एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और एक तरफ साउथ पोल, तो बताओ इधर कौन सा बनेगा और उधर कौन सा बनेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर इधर बनेगा, इधर साउथ बनेगा ऐसा, और उधर नॉर्थ, क्योंकि मान लो अगर इधर नॉर्थ बन जाता तो ये खुद ही रिपेयर कर देती, तो हमें ले जाना पड़ता क्या? नहीं, तो बिना एनर्जी के ब्लॉक इधर जाती है मैग्नेट, तो बिना एनर्जी के इसमें करंट इंड्यूस होता, वो तो हो नहीं सकता। समझ में आया? तो जो आप करोगे ना उसका उल्टा ही करेगा, आप मैग्नेट को दूर ले जाओगे तो दूर ले जाने से रोकेगी, पास लाओगे तो पास लाने से भी रोकेगी। समझ में आया क्या? तो इसमें करंट इस तरह से इंड्यूस होगा हमेशा कि जिस करंट को आप, करंट को इंड्यूस होने की कोई रीजन है ना, क्या रीजन है? मैग्नेट का पास आना या मैग्नेट का दूर, इन्हीं रीजन की वजह से तो करंट इंड्यूस हुआ है। अगर मैग्नेट ना पास आती ना दूर आती तो करंट इंड्यूस होता क्या? तो वो जो करंट इंड्यूस हुआ है उसको इंड्यूस होने का जो रीजन है उस रीजन को ही वो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि उसको अपोज करेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? करंट किस रीजन से इंड्यूस हुआ है उस रीजन को देखो, और फिर करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि वो उसी रीजन को अपोज करता है। समझ में आया क्या? जिस रीजन की वजह से वो इंड्यूस हुआ, समझ में? यहाँ पर किस रीजन की वजह से इंड्यूस हुआ? दूर जाने से। तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि इस मैग्नेट को वो दूर जाने से रोकेगा। समझ में आया? सो करंट इंड्यूस होगा तो इधर कौन सा पोल बनना चाहिए? साउथ। और इधर कौन सा बनना चाहिए? तभी तो ये रोकेगा। हाँ पूछो ना, क्या डाउट है? पक्का? तो तुम्हें डाउट है? नहीं वो सर ऐसे ही है, इधर साउथ को होना। समझ में आया? क्योंकि आप दूर ले जा रहे हो तो ये दूर जाने से रोकेगी, दूर जाने से कब रोकेगी? जब इधर साउथ बनेगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट है, तो आपको एफर्ट लगा के ले जाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? हाँ पास ला रहे थे तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे थे, दूर ले जाओगे तो साउथ, तो उल्टा हो गया ना। पास ला रहे थे तो करंट ऐसे रिफ्लेक्ट, इस तरह रिफ्लेक्शन आया, जब दूर लेंगे तो रिफ्लेक्शन इस तरफ आया। समझ में आया क्या? मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? आया समझ में? पहले रिफ्लेक्शन इस तरफ था, अब इस तरफ हो गया, तो ऐसे करंट को जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? फिर आप क्या कर रहे हो? इस मैग्नेट को ऐसे, इस मैग्नेट को क्या कर रहे हो? ऐसे आगे पीछे कर रहे हो कंटिन्यूसली। जब तक आप ऐसे ऐसे करते रहोगे तब तक करंट बनेगा, जैसे आप करते अब करंट भी जुड़े। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर। सो हमने एक को रखा हुआ है कि तू ऐसे ऐसे कर मैग्नेट, ठीक है, और इधर हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं। तो हमने क्या देखा? जब वो मैग्नेट को पास में लाता है तो डिफ्लेक्शन इधर है ना, तो जैसे दूर लाता है तो डिफ्लेक्शन डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। करंट मान लो राइट में फ्लो हो रहा है, फिर लेफ्ट में फ्लो हो जाता है, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में। समझ में आया क्या? ऐसे करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो। समझ में आया? ऐसे में ऐसे करंट, डायरेक्ट करंट में क्या होता है? करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कंटिन्यूसली, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऐसे ही होता है। इसमें क्या हो रहा है? करंट एक जब ऐसा ही ऐसे फ्लो हो, फिर ऐसे भी ऐसे फ्लो हो, फिर ऐसे फ्लो हो, फिर ऐसे, करंट तो इन पोल की डायरेक्शन के हिसाब से बनेगा ना। सब करंट की डायरेक्शन कैसे बताते हैं? जिस रीजन से वो करंट इंड्यूस हुआ है उसी रीजन को वो करंट इंड्यूस होके अपोज करता है। समझ में आया? इसको बोलते हैं लेंज़स लॉ। हम आगे पढ़ेंगे, वो फिर से मैं पढ़ाऊंगा। तो समझ में आया क्या? ये चीज मैं आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ, ये बात समझ में आई? सो ये मैं सोचो कि कम समझ में आया, क्योंकि दो तीन बार पढ़ेंगे हमसे, ठीक है। तो ये तो था केस थ्री। तो कौन सा पोल बना? हाँ अब इसमें करंट इंड्यूस हो गया, लिखने की जरूरत है कि बार बार? हाँ अब मैग्नेट का साउथ पोल चेक करते हैं। क्या पोल चेक करते हैं?
साउथ पोल इधर ले जाओ, तो बताओ इधर कौन सा बनेगा? मैग्नेट, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है कोयल में से, तो करंट इंड्यूस होगा, तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि आप इसको पास में ले जा रहे हो तो इसको रोकेगा, तो इधर कौन सा पोल बनाएगा? साउथ। समझ में आया क्या? मतलब डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इधर कौन सा बनेगा? नॉर्थ। समझ में आया? हाँ, और अगर मैं फिर साउथ पोल को इधर लेके आऊंगा तो इधर नॉर्थ और उधर तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आया समझ में? इधर केस केस फोर, ठीक है, एक केस और लिख देते केस फाइव। अगर आप साउथ पोल को उधर ले जाओ तो इधर कौन सा बनेगा? उसको जाने से रोकेगा वो, तो कौन सा बनेगा? तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके बात, समझ में आया क्या? तो हमने क्या क्या कंक्लूजन लिया वो हम लिखेंगे, पहले देख लो। एक तो करंट कब इंड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। करंट कब इंड्यूस होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? उन्होंने एक और डायरेक्शन कब चेंज होती? अगर आप मैग्नेट को पास लेके तो डायरेक्शन अलग थी, दूर लेके तो अलग, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती, रिवर्स हो जाती, समझ में आया? डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। उन्होंने एक और इसी एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि वो मैग्नेट को ऐसे ऐसे कर, समझ में आया? फिर उन्होंने इसकी स्पीड बढ़ा के दी, पहले धीरे धीरे कर रहे, तो डिफ्लेक्शन कम आ रहा, कम मतलब मैग्नेटिक करंट कम आ रहा, समझ में आया? फिर उन्होंने और ज्यादा एनर्जी लगा, मतलब फ्लक्स को और जल्दी जल्दी चेंज किया। फ्लक्स को क्या किया? ऐसे ऐसे करेंगे तो फ्लक्स चेंज तो होगा, बट ऐसे ऐसे करेंगे तो जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा। तो जिस जितनी ज्यादा फ्लक्स के चेंज होने की रेट होगी, मतलब जितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब उतना ज्यादा हमने देखा है, मतलब उतना ज्यादा इसमें करंट आएगा। इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी देख सकते हैं, क्या कि फ्लक्स को आप जल्दी जल्दी चेंज करने के लिए जल्दी जल्दी ऐसे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा करंट मिलेगा, समझ में आएगा? धीरे धीरे करोगे तो करंट भी कम मिलेगा। आया समझ में? इलेक्ट्रिक जनरेटर में यही होता है, उसमें हम कॉइल को घुमाते हैं, मैग्नेट फिक्स होती है, तो किसको घुमाते हैं? कॉइल को। समझ में आएंगे? पावर प्लांट वगैरह में, ठीक है, वो सब हम आगे में आपको डिटेल में, ठीक है। पानी गिराते हैं, उसे टर्बाइन होता है, टर्बाइन से कॉइल, ऐसा कोई किसी को रखेंगे थोड़ा ना कि तू घुमा, हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, समझ में आया क्या? अपने आप घूमे, ठीक है, कोई ना कोई एनर्जी से, समझ में आया? थर्मल एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से, ठीक है, किसी ना किसी एनर्जी से हम कोइल को घुमाते हैं। जनरेटर में क्या होता है? कोइल होती है और मैग्नेट होती है, तो आप कोइल को घुमाओ या मैग्नेट को घुमाओ, बात एक ही, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, अब जितनी जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, ऐसे समझ में? जो इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू जो करंट यूज होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम डायरेक्ट करंट से कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। ऐसे तुम ऑनलाइन के लिए पूछते हो, बोलोगे तो बोल दो, देखते
So conclusion of Faraday's experiment. First conclusion is mein current ka induce hua tha. Flux change. है ना, फ्लक्स चेंज करने के लिए क्या किया था, इनके बीच में रिलेटिव मोशन किया, क्या क्या था रिलेटिव मोशन। देखो करंट इज ओनली इंड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट इज ओनली इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ब्रैकेट में लिखो डिफ्लेक्शन। कैसे पता लगेगा करंट इंड्यूस हुआ, डिफ्लेक्शन से, समझ में आया। When there is relative motion, when there is relative motion between coil and wire, current is only induced in the coil. Current is only induced. Current कब induced होगा? Deflection. When there is relative motion, current is only induced in the coil. ब्रैकेट में आपने लिखा होगा डिफ्लेक्शन, ठीक है, वो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, समझ में आया क्या, समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाती है। हाँ, होती कि नहीं होती है। सो लिखो नेक्स्ट कंक्लूजन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड, समझ में आया। और अगर करंट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको जल्दी जल्दी मूव कराना पड़ेगा, रैपिडली, समझ में आया। सो थर्ड लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड बाय, करंट स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज बाय, इसमें अब दो तीन रीजन है इसके अंदर। लिखो फर्स्ट रीजन, अगर आपने 1, 2, 3 लिखा है तो रीजन में लिखो एबीसी। थर्ड पॉइंट क्या है कि इसमें करंट की स्ट्रेंथ या मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। फर्स्ट रीजन तो सबको पता है कि बाय रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट और द कॉइल, दोनों से किसी का, समझ में आया। तो लिखो फर्स्ट, बाय रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट और द कोर, समझ में आया। उन्हें एक और इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखा था, उन्हें इस मैग्नेट की जगह और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया और फिर सेम स्पीड से उन्हें मोशन करवाया, उन्हें देखा इस बार ज्यादा करंट नहीं दी, तो एक और किस पे डिपेंड करता है, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी अगर आपको ज्यादा कैपेसिटी का इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिक जनरेटर चाहिए होता है तो उसमें मैग्नेट स्ट्रॉन्ग लगाता है। समझ में आया क्या? समझ में आया, इसलिए तो ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। समझ में आया? हाँ आया समझ में। सो सेकंड पॉइंट लिखो, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। ठीक है, एक और पॉइंट, By increasing the area of this coil, जितनी ज़्यादा इसका area रखोगे आप coil का, अपना flux pass होगा, है ना? And number of turns in this coil, समझ में आया क्या? हाँ? So third point लिखो, by increasing the area and number of turns in the coil. By increasing the area and number of turns in the coil. So, Faraday's experiment क्या था? उन्हें एक कॉइल ली, एक मैग्नेट लिया, पहले मैग्नेट को पास में रख के देखा, उन्हें सोचा फ्री में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बट नहीं मिला। समझ में आया क्या? करंट इंड्यूस नहीं हुआ, तो उन्हें सोचा थोड़ा सा पास में कब दूर ज्यादा करके देखो, तो उन्हें देखा अब हो गया, फिर उन्हें देखा और जल्दी करके देखते, तो उन्हें देखा और ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा, मतलब और ज्यादा करंट बढ़ रहा है। फिर उन्होंने और क्या क्या देखा, पास में ले जा रहे हैं तो करंट मान लो राइट में जा रहा है, दूर ले जा रहे हैं तो लेफ्ट में जा रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। समझ में आया? तो ये सारे हमने कंक्लूजन दिए। आया समझ में? सो हमने क्या देखा, नॉर्थ पोल पास में ले जा रहे हैं तो साउथ बनता है, नॉर्थ पोल दूर ले जाते हैं, नॉर्थ पोल पास में ले जाते हैं तो नॉर्थ पोल बनता है और दूर ले जाते हैं तो साउथ, मतलब अपोज करता है। समझ में आया क्या? इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो दिस इज फैराडेस लॉ। तो इसी के बेसिस पर फैराडेस एक्सपेरिमेंट, इसी के बेसिस पर उन्होंने लॉ दिया था। क्या दिया था? लॉ। उसको हम लिखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उन्होंने फर्स्ट दो लॉ थे, फर्स्ट लॉ क्या था कि करंट कब इंड्यूस होता है, तो करंट कब इंड्यूस होता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल्स, है ना? अब देखो करंट तभी, हमने इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा था, करंट इंड्यूस तब होता है जब पोटेंशियल, करंट कब फ्लो होता है किसी सर्किट में, बैटरी का करंट, बैटरी क्या काम करती थी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती थी, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होता है, होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा इसमें क्या आया होगा, वो भी विदाउट बैटरी, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। दोनों की यूनिट सेम है, वोल्ट, दोनों का मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया क्या? विदाउट बैटरी आया ना, उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें करंट, इसको फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस हो रहा है, बट करंट इंड्यूस तभी होता है ना जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो उन्होंने लॉ में क्या बोला कि फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्या इंड्यूस होता है? ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया सर्किट में, और अगर सर्किट क्लोज है, सर्किट क्या है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता है कि क्लोज में, अगर सर्किट क्लोज है तो फिर उसमें करंट भी इंड्यूस होता है। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तभी तो करंट आएगा ना। समझ में आया? सो इसको मूव कराने से क्या बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, उसकी वजह से करंट आ जाता है। आया समझ में? ये लो कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। क्या इंड्यूस होता है? एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देन द करंट इज इंड्यूस्ड। समझ में आया? ईएमएफ तो सर्किट ओपन होगा तब भी इंड्यूस होता है, बट तो उस केस में करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, हमने बड़ी थी कंडीशंस, और एक सर्किट क्लोज होना चाहिए, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है। समझ में आया? तो इसमें हमने बात की करंट इंड्यूस हो गया, मतलब आपने, लेकिन आपने पूछा नहीं सर करंट तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है। यस, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही आता है पहले, फिर करंट आता है। समझ में आया क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस कब आएगा, जब इसको रेस्ट पर रखोगे तब आएगा, या मूव कराओगे तब आएगा? तो फैराडेस फर्स्ट लॉ ये बोलता है, क्या बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोर या लिंक विद द कोर, जब उसमें चेंज हो रहा है तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तभी तो करंट आएगा। समझ में आया? ईएमएफ मतलब क्या है?
पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में? अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कब तक रहेगा? जब तक कोई जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब तक आप रिलेटिव मोशन कर रहे हो, मतलब जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है। समझ में आया? जैसे आप थक गए, आपने बंद कर दिया, ईएमएफ इंड्यूस भी जीरो हो जाएगा, तो करंट फ्लो ना भी बंद हो जाएगा। समझ में आया क्या? दिस इज फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर आया जीरो, सडन एकदम जीरो हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। और सेकंड लॉ क्या बोलता है कि कितना करंट इंड्यूस होगा, या कि करंट उतना इंड्यूस होगा जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ में आया? जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट होता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होता है सर्किट में, है ना? सो ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्यों इंड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आया? तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना जल्दी जल्दी आप, मतलब जितना जितना फ्लक्स के चेंज होने की रेट होगी। समझ में आया? सो दिस ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे। समझ में आया? उनको लिखेंगे आया समझ में? अभी आपको ये पूरा रिवीजन करके आना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पूरा कनेक्टेड है। आया समझ में? लिख लिया सबने? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? यस सर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।